नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी क्रांति सिंह। तो आज हम बात करेंगे अंकिता लोखंडे और उनके पति विकी जैन पर, जो कि बिग बॉस में गए थे। बिग बॉस का ड्रामा आपने भी काफी देखा होगा, किस तरीके से अंकिता और उनके पति विकी जैन के बीच में कई बार लड़ाई झगड़ा हुआ। और कई बार क्रांति हमने देखा भी कि अंकिता जो है इमोशनली बहुत ज्यादा है, उनको वक्त चाहिए था या फिर वो चाहती थी उनका उनके जो हस्बैंड है उनको बार बार पूछे, हर चीज में उनकी मदद करें, जो कि होता भी, जो कि एक नेचुरल भी होता है। लेकिन वहां बिग बॉस में गेम के चक्कर में विकी जैन उनको समय नहीं दे पाते थे, या फिर जो जैसी उनकी लाइफ बाहर थी वैसी उनकी बिग बॉस के अंदर घर के अंदर नहीं चल पा रही थी। लेकिन अंकिता ऐसा चाह रहे थे और इस वजह से कई बार उनके तलाक की खबरें भी उन दोनों ने अपने मुंह से बोला और वो बाहर तक आई भी, जो कि मीडिया में भी फैली अफवाहें भी बनी। और अब जब वो घर से बाहर आ गए हैं तो लगातार उनसे सवाल भी पूछे जा रहे हैं। विकी जैन ने इसको लेकर सवाल जब विकी जैन से पूछा गया तो हालांकि उन्होंने जवाब दिया है कि वो बिग बॉस के घर के अंदर की कहानी थी, अब हम बाहर आ गए हैं, बाहर ऐसा कुछ नहीं है, हमारा रिश्ता एकदम सही है। जी देखिए काजल, सबसे पहली बात तो इंटरेस्टिंग पॉइंट ही ये रहा था बिग बॉस में कि वो दोनों काफी ओपनली होकर जो अपने रिलेशनशिप को जो है वो दिखा रहे थे। और आप गौर करेंगे कि उस जगह पर ना ये चीज बार बार सामने निकल करके आई थी कि विक्की जैन जो है वो चाहते थे कि उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा था, क्योंकि अंकिता लोखंडे एक नाम पहले बन चुका है पवित्र रिश्ता के बाद से। तो विक्की जैन को ये था कि यार हर जगह तो ये बोल देते सब लोग कि मेरी तस्वीर लो अंकिता के साथ में, आप फोटो खींचे। ये बात तो शुरू में जब एंट्री हुई थी उसी दिन कि मैं उस फोटो से बचने के लिए यहां आया हूं अपनी पहचान बनाने। उसने बार बार इस चीज को लेकर की बात कही और जाहिर सी बात है कि उन्होंने इस चीज को कहा है कि उनको भी एक जगह चाहिए, उनको भी एक फेम चाहिए, क्योंकि उनके पास पहले से ही अगर देखे तो कारोबार बहुत बड़ा है और उस कारोबार के चलते वो काफी अमीर भी है, तो उन्हें कहीं ना कहीं पैसों का लोभ नहीं था। अंकिता की जैसा फेम जी, उन्हें बस फेम चाहिए था, क्योंकि अंकिता लोखंडे से उन्होंने शादी की है तो जाहिर सी बात है कि उनको मुकाबला देने के लिए उनको फेम भी उतना ही चाहिए। तो देखिए यहाँ पर विक्की जैन का एक पहले से सपना भी था जिसका जिक्र उन्होंने किया था कि मुझे जो है फेम चाहिए। तो देखिए जब वो लोग उस जगह पर आए और बिग बॉस 17 में जब वो एक कंटेस्टेंट के तौर पर एक दूसरे के खिलाफ भी रहे तो उन्होंने काफी ज्यादा जो है लड़ाइयां की, बातें की, पब्लिकली इतनी सारी बातें उनकी खुलकर के सामने आ गई, इवन उनकी सास तक की बात जो है वो भी बाहर निकल के आई। देखिए उस जगह पर एक पॉइंट आया, एक टर्निंग पॉइंट आया कह सकते हैं कि आधे सीजन के बाद जो है ये टर्निंग पॉइंट आया जहां पर अंकिता लोखंडे खुद कहती हुई नजर आए कि जीले अपनी जिंदगी और मैं तो अब अकेले ही रहूंगी। तो उससे ये बात जो उस दिन से सुर्खियों में आया कि वो दोनों डिवोर्स लेना चाहते हैं। और देखिए अंत तक आते आते ये बात जो है कई बार खुलकर के सामने आई कि अंकिता चाहती है कि वो अब डिवोर्स ले, क्योंकि वो एक तरीके से दिख रहा था स्क्रीन पर कि विक्की जैन कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग हस्बैंड है और अंकिता एक इमोशनल लड़की है, और जैसा टीवी सीरियल में उन्होंने एक्टिंग किया कहीं ना कहीं उनकी लाइफ जो है वो उसी तरीके से हो गई है। जो उस समय हो रहा था बिग बॉस के घर के अंदर हो रहा था, वो परिस्थिति ऐसी थी, उस परिस्थिति में करना बिल्कुल यही चीज विक्की ने बोला था। बिग बॉस के घर में क्या होता है, गेम खेलना होता है, बिल्कुल साजिशें करनी होती है, षड्यंत्र करने होते हैं और बैक पिचिंग करनी होती है। कोई उधर बैठा तो उसकी बात है, उधर बैठा उसकी बात है, चाय चोरी, चाय पत्ती चोरी, सब्जियां चोरी, कॉफी को लेकर के सबसे ज्यादा हंगामा मचता है बाहर, क्योंकि वहां ये करना पड़ेगा, बिल्कुल वरना फेम कैसे, वहां करना पड़ेगा, अगर आप वहां नहीं करोगे तो आप सुर्खियों में नहीं रहोगे। और देखो ये चीज विकी को पता थी कि अगर वो ये करेगा तो वो सुर्खियों में रहेगा और वो लास्ट तक जाएगा। लेकिन काजल यहाँ मैं आपको, देखिए अगर आप बात करेंगे कि विक्की जैन को अपना फेम चाहिए था इस जगह पर, अंकिता से आगे बढ़ना था, तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान देंगे ना तो आपको एक चीज ध्यान में आएगा कि अंकिता को करियर छोड़े हुए काफी टाइम हो गया था और वो शादी के बाद तो बिल्कुल नजर ही नहीं आ रही थी। तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं दोनों ने एक ही जगह से शुरुआत की थी, दोनों को बराबर फेम चाहिए था कई सालों। तो देखिए दोनों ने अपनी तरफ से कोशिश की, भले अंकिता इमोशनल नजर आई और विक्की जो है एक डोमिनेटिंग हस्बैंड की तरह नजर आए, लेकिन अगर हम पूरा पूरा एपिसोड देखें ना तो उसमें समझ में आएगा कि विक्की जैन ने हमेशा उस जगह पर अंकिता को समझाने की कोशिश की जहां पर अंकिता गलत नहीं है। तो देखिए वो चीज एक अलग तरीके से सामने दिखाई दिया, लेकिन यहाँ पर ये साफ था कि दोनों डिवोर्स तो नहीं लेंगे, हालांकि दोनों ने बातें बहुत बार कही और देखिए वही चीज अब साफ भी हो रही है। देखिए काजल, तो दोनों के दोनों अभी बाहर आने के बाद एक डिनर पर गए और डिनर पर जाने के बाद जो है हमने देखा कि उन्होंने पेपराजी के सामने ये बात कबूल किया है कि अंदर का सिचुएशन जो था वो ज्यादा टफ था। और उस जगह पर विक्की ने ये बात भी कहा है कि मैं वहां पर गेम पर फोकस कर
करना चाहता था, और उस बीच में कई बार डिवोर्स की बातें भी आई, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से काफी ओपन है और हमें डिवोर्स लेने की कोई जरूरत नहीं। विकी ने ये कहा भी कि वहां वो गेम खेल रहे थे, उसकी वजह से अंकिता को समय नहीं दे पाए, वो जो अंकिता चाहती थी, इमोशनली चाहती थी, जो भी उनको वक्त दे या इमोशनली नहीं दे उनकी हेल्प करें, वो नहीं कर पाते थे क्योंकि वो गेम चल रहा था, वो बिग बॉस का घर था। क्योंकि देखिए लाइफ बहुत अलग होती है, बिग बॉस के घर की लाइफ अलग होती है, वहां 24 घंटे आपको कैमरे में रहना होगा, अपनी पर्सनल लाइफ अलग होती है, यहाँ पर आपको कैमरे में नहीं रहना होगा। तो ये भी यहाँ विकी जैन ने कहा है कि हमारी जो लाइफ है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, हम लोग आजादी के साथ में एक दूसरे से बातें करते हैं, हम लोगों ने एक दूसरे को आजादी दी हुई है, तो हमारा रिश्ता ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और तलाक की बात तो आप सब अपने दिल से निकाल दीजिए, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है कॉमेंट करके बताइएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद।